गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस फॉर क्लास थर्ड, चैप्टर थर्ड, टॉपिक नेम इज एयर पॉल्यूशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पॉल्यूशन, दे आर ए four types of pollution such as air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. We will discuss air pollution. When harmful gases, dust, particles, fumes and smoke are introduced into the air, they cause air pollution. When harmful gases which is emitted by industries, vehicles and dust particles, these all are the introduced in the air, they cause air pollution. यानी ये सारी चीजें, चाहे वह हार्मफुल गैसेज हो, धुआं हो, डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वही एयर पोल्यूशन कहलाता है। ट्रीज हेल्प इन रिमूविंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, सो कटिंग डाउन अ ट्री लीड्स टू इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। Here is the point, say that we save the tree. How? Why? Because it helps in removing the harmful particle from the air. यानी वो सारे harmful particles जो कि हवा में शामिल होते हैं, मिले होते हैं, उनको remove यह पेड़ पौधे ही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। इफ यू कट द ट्रीज, अगर आप पेड़ों को काटते हैं, देन टू इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन, क्या हो जाएगा? हवा में प्रदूषण बढ़ जाएगा, एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा। Polluted air harms humans, animals, birds, plants and other living things as well. Not only affect human being, even it affect the animals, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, birds पक्षियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, plants पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, एंड अदर लिविंग थिंग्स, और जो भी इस पृथ्वी पर सजीव वस्तु हैं, जीवन, उस सारे चीजों को यह पोल्यूटेड एयर नुकसान पहुंचाता है। ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन मेक अ सिक, और यही गंदी हवा, यही पोल्यूटेड एयर जो हम सांस के थ्रू लेते हैं, तो यह हमें बीमार बना सकता है। सो स्टॉप द एयर पॉल्यूशन, हमें रोकना चाहिए इसे। थैंक यू।